Sometimes all you need is a second chance because time was not ready for the first one. जिंदगी सेकंड मौका हर आदमी को देती है. हाय, मेरा नाम है सीख पाउजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटेड इन नीट यूजी कैटेगरी एंड वेलकम टू माय चैनल. आज इस वीडियो में मैं आपको वो पांच चीज़ें बताने वाली हूँ जो गलतियाँ यूजुअली बच्चे अपनी प्रिपरेशन में करते हैं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है बच्चों को करते हुए, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है. वो सपने तो देखते हैं यार एम्स के, मैमसी के, वर्धमान कॉलेज के, बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज के, लेकिन यार अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू, ये सपना सच होने के चांसेस कम है. तो आज बेटा ये पांच गलतियों से सीखते हैं एंड देन आप मुझे कमेंट से बताएंगे कि इनमें से कौन सी गलती आप एक्चुअल में कर रहे थे. सबसे पहली चीज़ तो यार गिल्ट से बाहर आ जाओ. स्टॉप ओवर थिंकिंग कि मेरा 11th बर्बाद हो गया था, या मैं फिजिक्स मैंने अच्छे से बिल्कुल नहीं पढ़ा है, या फिर मैम अभी तक मेरा टाइम निकल गया. देखिए जो हो चुका है वो वैसे ही आपके हाथ में नहीं है, तो आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, जो चीज़ अभी आपके हाथ में है तो बचे हुए समय पर फोकस करते हैं. पहली मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है, दैट इज़ जस्ट प्रायोरिटाइजिंग वन सब्जेक्ट. मुझे पता है तुम लोग ने डॉक्टर इस वजह से परस्यू किया है, वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट यू लव बायोलॉजी, यू लव टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बॉडी, यू लव वॉचिंग ह्यूमन बॉडी. आप उसके 3D एनिमेशन से इतने ज़्यादा मनमोहित हो जाते हैं कि यार बायो बायो बायो, और बायो में भी सिर्फ जुअलॉजी जुअलॉजी जुअलॉजी. देखिए लेट मी टेल यू, चाहे बायो 360 मार्क्स का है विच इज़ हाफ ऑफ द टोटल नंबर इन नीट एग्जाम, 720 में से आधे नंबर तो इसके मिलेंगे, बट 360 में से सिलेक्शन नहीं होता. सिलेक्शन के लिए आपको बचे हुए 180 यानी केमिस्ट्री फिजिक्स भी करना है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को बायो इतना ज़्यादा पसंद है तो मैं एक महीने तक सिर्फ बायो के ही चैप्टर पढ़ रहा हूँ, बायो में भी सिर्फ फिजियोलॉजी ही पढ़ता जा रहा हूँ ह्यूमन की. देखिए इस चीज़ से क्या होगा कि बायो तो जितना होगा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम टाइफिश हो जाएगी, और वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका टाइम मांगती है. आप अभी उसे डिटेल में करना नहीं शुरू करोगे तो बाद में पैनिक होगा, पैनिक में आप ज़बरदस्ती के वन शॉट देखोगे. वन शॉट में बेटा चीज़ें रिवाइज होती हैं, फर्स्ट टाइम नहीं होती है. फर्स्ट टाइम करोगे तो क्वेश्चन में गलती निकल के आएगी. इसीलिए तीनों सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दीजिए. ऐसा नहीं हो सकता ना कि प्लेट में मुझे सिर्फ रोटी 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 पसंद है तो सब्जी भी छोड़ देते हैं, सलाद भी छोड़ देते हैं और चटनी भी छोड़ देते हैं. इससे तो आपको बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं मिला. सेम हैपन्स विद नीट एग्जाम, आपको बैलेंस लेके चलना है, फिजिक्स भी, बायोलॉजी भी और केमिस्ट्री भी. ठीक है जी. दूसरी मिस्टेक बेटा जो आप कर रहे थे, दैट इज रीडिंग जत्था ऑफ बुक्स, मल्टीपल बुक्स बेटा एट वन टाइम. ये मैं गलती बताते नहीं सकती हूँ बिकॉज आपको हो जाता है फोमो. फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट. मैम मेरे तो दोस्त के पास इस वाले का मॉड्यूल है तो भाई वो भी होना चाहिए, वो भी डाउनलोड कर रहे हैं बैठ. मेरे इस दोस्त के पास तो इस ऑथर की बुक है, वो भी डाउनलोड कर रहे हैं बैठ के, वो भी होनी चाहिए, उसको भी खरीद के आ रहे हैं. देखिए बेटा एक बुक को 10 बार ही पढ़ना है, स्पेशली टॉकिंग अबाउट द थ्योरी बुक. प्रैक्टिस तो चलो जितनी करो वो कम है, बट थ्योरी में यू जस्ट हैव टू रीड वन बुक एंड योर वन सेट ऑफ नोट. यू डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ रेफरेंस बुक. आई एम टेलिंग यू दिस राइट अवे. पिछले 5 साल का पेपर जो कि NTA कंडक्ट कर रहा है वो क्लियरली बताता है कि आपका जितना भी पोर्शन है वो आपकी NCERT में से ही आएगा. तो NCERT के अलावा आपको कोई और बुक थ्योरी में नहीं रेफर करनी है, प्लस आपके टीचर्स के लिखवाए गए हैंड रिटन नोट्स. बस ये दो चीज़ें पढ़िए और टाइम बचता है ना इसी को दोबारा पढ़िए. जाइए पूछिए किसी भी टॉपर से कि भैया दीदी आप कौन सी बुक पढ़ते थे, वो क्लियर कट शब्दों में बोलेंगे. चाहे वो कोचिंग में एनरोल्ड थे बेटा, बट फिर भी एक ऐसी बुक जिसमें से एक एक क्वेश्चन बायो का पूछा जाता है, दैट इज NCERT. बट हाँ, उसको समझने के लिए आपको एक ऐसा गुरु चाहिए, एक ऐसा टीचर चाहिए जो आपको क्लास में बढ़िया तरीके से NCERT बेस्ड नोट्स करवाता हो. ठीक है जी. तो मल्टीपल बुक्स नहीं, वन बुक मल्टीपल टाइम. इतना टाइम तुम्हारी रीडिंग होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि यार NCERT के पन्ने खोल रहे हैं 3 महीने पहले तब जाके देख रहे हैं NCERT पढ़नी है. अभी तक तो हम ऐसे ही कभी ये कोचिंग कभी वो कोचिंग, कभी ये रेफरेंस कभी वो रेफरेंस. सिंगल बुक सिंगल सेट ऑफ नोट्स आपको पढ़ने हैं. तीसरी, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन इन द सेकेंड हाफ ऑफ योर प्रिपरेशन. अभी तो मैम हम पढ़ रहे हैं, अभी तो डिटेल थ्योरी कर रहे हैं, थ्योरी हो जाएगी अच्छे से फिर हम सोचेंगे सवाल निकालने का. बेटा थ्योरी तो कभी नहीं होएगी. पेपर से एक दिन पहले भी तुमको ऐसा लगता रहेगा कि यार मेरा कुछ छूट रहा है, दोबारा पढ़ लेता हूँ, दोबारा उसको देख लेता हूँ, दोबारा NCERT देख लेता हूँ, नोट्स देख लेता हूँ. आपको अंदर से फीलिंग नहीं आती है वो कि यार नाउ आई एम फुली रेडी, नाउ आई विल सॉल्व द क्वेश्चन. इसीलिए उस फीलिंग का वेट ना करें, इंतजार ना करें, उस फीलिंग को हर दिन अपने साथ लेकर चलें. यानी कि जितना जितना पोर्शन आप करते जा रहे हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको निकालने हैं सबसे पहले, दैट इज द प्रीवियस ईयर पेपर.
अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से नहीं देखते हैं, आपने नहीं देखा कि पिछले साल का क्या ट्रेंड है, भाई आप क्या तैयारी करेंगे आगे। मैं ये नहीं कहती कि पेपर सेम आता, पेपर कभी सेम नहीं आता, लेकिन एटलीस्ट आपको एग्जामिनर के माइंड में पता तो चलता है कि यार किस टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं, मैंने इस टॉपिक को कैसे प्रिपेयर किया और इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आए। नेक्स्ट चीज़ आती है बेटा, अपनी हेल्थ का ख्याल ना रखना। अब ठीक है, मैं मम्मी जैसी बात कर रही हूँ, मम्मी भी तो ये कहती हैं, बट मैं आपकी मम्मी के इस समय बहुत साथ हूँ। मम्मी आपको आउट ऑफ लव कह रही हैं, मैं आउट ऑफ थोड़ा सा स्वार्थ कह रही हूँ, क्योंकि मैं स्वार्थी हूँ आपके सिलेक्शन के लिए। देखो, अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं रहेगी, आप कभी भी रिटेन नहीं कर पाएंगे। आप पूछिए उन बच्चों से जाकर जिनका किसी ऐसी मेडिकल इशू की वजह से एक महीना दो महीना वेस्ट हो गया। मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसे बहुत बच्चे आते हैं जो आकर रोते हैं कि मैम हमारा, मेरे को ये इशू हो गया था, मुझे या फिर फैमिली में किसी को ऐसा मेडिकल इशू हो गया था जिसकी वजह से हम तैयारी नहीं कर पाए। तो मैं नहीं चाहती ऐसा किसी के साथ भी हो। तो जो चीज़ हमारे हाथ में है, दैट इज़ टू टेक केयर ऑफ हेल्थ, जिसमें आता है प्रॉपर अच्छा खाना लेना। खाने का मतलब ये नहीं कि हैवी खाना खाना है, खाने का मतलब ये कि बैलेंस न्यूट्रिशियस खाना खाने जिससे आप अटेंटिव रहें। बहुत बच्चों को दिन में लेथार्जी होती है, नींद आती रहती है, वो बेड पे पड़े रहते हैं, उनका पढ़ने का मन नहीं करता। बेटा प्रॉबेबली यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ समथिंग, प्लीज़ गो एंड गेट योर सेल्फ चेक। दूसरा बेटा हेल्थ में आता है आपकी नींद। नींद बेटा, अगर आपको लग रहा है कि 4 घंटे सो के 4 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो उस 4 घंटे में मैं 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लूंगा, बेटा नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अगर 4 घंटे कम सोएंगे, आपका दिन में जब आप जाग रहे हैं आपका कंसंट्रेशन उतना ही कम होगा। जितना आपको 8 घंटे सोने के बाद लगता है ना, मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट को लर्न करने में 1 घंटा लगता है, इफ़ यू स्लीप फॉर 8 आवर्स, अगर आप 8 की जगह 4 सोएंगे ना, उसी कॉन्सेप्ट को लर्न करने में तुम्हें 3 घंटे लग सकते हैं। यानी कि आपकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे डाउन होती जाती है विद द लैक ऑफ स्लीप। So make sure that you are sleeping right and you are sleeping for at least 6 to 8 hours every day and that too undisturbed. तीसरी चीज आती है बेटा, आज तक कोई एनटीए आया है, एनटीए का कोई ऐसा बुलेटिन आया है जिसमें लिखा हो कि बेटा आपकी रील पर जितने लाइक्स होंगे उतने नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मास सेल्फी डालोगे पढ़ते हुए, उतने ही ज़्यादा तुम्हें नंबर दिए जाएंगे, तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग कैंसिल कर दी जाएगी। ऐसा तो बेटा आज तक नहीं बोला गया है। फेसबुक पे तुम्हारे जितने ज़्यादा दोस्त होंगे उतने ही ज़िंदगी में तुम्हें दोस्त मिलेंगे, ऐसा भी नहीं होता। वो तो सब फेक फ्रेंड्स हैं यार, जिनसे आप आज तक एक बार ही मिले हैं या फिर मिले भी नहीं है, वो भी तुम्हारे दोस्त बन के बैठे हैं। तो यार ये जो सोशल मीडिया है ना, ये आज के समय पर एक डिस्ट्रैक्शन बनता जा रहा है। मैं मानूंगी कि यार जो बच्चे 2015 के हैं, जब इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं चलती थी, या उससे पहले के हैं, वो लकी हैं, उनके पास पढ़ाई के अलावा ज़्यादा कुछ चीज़ें होती नहीं थी। आपके पास तो बेटा आज हर चीज़ आपके फ़ोन में है, एवरीथिंग इज़ इन योर फ़ोन। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इस फ़ोन को कैसे यूज़ करते हैं। कोई नंबर तुम्हें इंस्टाग्राम से नहीं मिलते, कोई नंबर तुम्हें फेसबुक से नहीं मिलते, कोई नंबर तुम्हें स्नैपचैट पे ज़्यादा स्टोरियाँ डालने से नहीं मिलते। जिस दिन एनटीए लिख देगा कि आज से जो बच्चा सबसे ज़्यादा स्टोरी डालेगा उसको सबसे ज़्यादा नंबर, उस दिन बेटा मैं खुद स्नैपचैट पे अकाउंट बनाऊंगी और तुम्हें रिक्वेस्ट भेजूंगी। लेकिन अब तक बेटा एनटीए ने ऐसा किया नहीं है और वो कभी ज़िंदगी में करेगा भी नहीं। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से बाहर आइए। अगर आप इनको मैनेज्ड वे में यूज़ नहीं कर सकते, आप नोटिस करो हर टॉपर को। हर टॉपर का इन सब सोशल मीडिया हैंडल्स पे अकाउंट यूजुअली कब बनता है? जब वो नीट क्रैक कर लेते हैं, जब उनका एग्जाम हो जाता है, क्योंकि उनको पता है उनके एक एक मिनट की वैल्यू। इतने लाखों बच्चे, 22-23 लाख बच्चे बेटा पेपर दे रहे हैं। 1 लाख का सिलेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि 1 लाख के अंदर सैक्रिफाइस करने की क्षमता है। कुछ बच्चे अपने माइंड से हार जाएंगे और थोड़ी देर अनइंस्टॉल किया, फिर से दोबारा इंस्टॉल कर लिया इंस्टाग्राम को, मैम बैठा ही नहीं जा रहा, और एक रील देखी तो यार आपको तो पता ही है कैसा म्यूजिक चलता है वहां पर, कितना एडिक्टिव होता है। एंड दैट इज ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो बेटा बनाया इसीलिए गया ताकि तुम्हें एडिक्शन हो जाए, ठीक है? तो प्लीज अगर तुम चाहते हो सिलेक्शन हो, तो टाइम की वैल्यू समझिए। टाइम बेटा आपका इसमें दिन के कम 1-2 घंटे किल होते हैं। अगर वो सोशल मीडिया ऐप है तो प्लीज़ उसे अनइंस्टॉल करिए। उसको सिर्फ अपने आप को रिवॉर्ड देने के लिए यूज़ किया करो। जब सच्ची में तुमने अपने गोल्स पूरे करे होते हैं तब बेटा उसको यूज़ करा करें। रेस्ट आपको उसको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब गोल ही पूरे नहीं हुए, दिन के जो टास्क थे वही नहीं देख रहे, बैठ के रिले सर कर रहे, हाँ सिलेबस नहीं पूरा हुआ तो ये गाना लगेगा फिर ये गाना, कोई फ़ायदा नहीं बेटा। आप बाद में रिग्रेट करेंगे कि काश उस समय पढ़ लिया होता, क्योंकि समय एक बार ही निकल गया ना, वो कभी हाथ नहीं आएगा। उसके बाद बेटा आपको नॉर्मल डिग्री करनी पड़ेगी, जिसकी आपकी कभी इच्छा नहीं थी, है ना? मैं हमेशा बोलती हूँ बेटा, चाहत तो है बहुत बड़ा डॉक्टर बनने की, चाहत तो है यार एम्स की, लेकिन क्या आपके पास चाहत है उसका बलिदान करने की? डू यू हैव द विल टू प्रिपेयर फॉर दैट बिग ड्रीम? सबको ड्रीम्स देखने आते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, बट क्या उसके लिए जो करना पड़ता है वो करने के लिए आप तैयार हैं?
अगर आप तैयार हैं तो मुझे कमेंट्स में लिख कर जाएंगे और इसमें से कौन सी गलती कर रहे थे वो भी जरूर बताकर जाएंगे। एंड मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पर आपसे रिलेटेड बहुत सारा कॉन्टेंट आता रहता है। थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक।